कि एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज दो तरह से हो सकता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट या तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क। कोई सिस्टम है, उसको एनर्जी चाहिए या एनर्जी रिलीज करनी है, तो ऐसा वो दो तरह से कर सकता है, या तो हीट गेन कर ले, हीट लूज कर दे, या तो बाहर की दुनिया पे कुछ वर्क कर दे, कुछ एहसान कर दे, एक काम कर दे बाहर की दुनिया पे जाके, तो ये भी तो एनर्जी देना हुआ, है ना। हमसे कोई बोले कि हमें एनर्जी दे दो, तो एक तो काम हम ये कह सकते हैं कि जाके उसको हम खाना पानी दे दें कि लो भाई सीधा लो एनर्जी लो, दूसरा ये कर सकते हैं कि हम उसकी एनर्जी बचा के उसके लिए कोई काम कर दें। तो एनर्जी को एक्सचेंज करने के दो तरीके हैं, हीट, डायरेक्ट एनर्जी दे देना, हीट एनर्जी देना, दूसरा वर्क, किसी के ऊपर कुछ काम कर देना। तो आज उसी में से हम पहले एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे, हीट की। मुझे पता है इस तरह से आपको किसी किताब में ये बात नहीं मिलेगी, ठीक है, मेरा खुद का सोचा हुआ एक कंसेप्ट पूरा हुआ है इसके अंदर। तो मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा चैनल है फिजिक्स वाला, है ना, और नहीं ऐसा मेरा सोचा हुआ, मतलब ऐसी एक दिमाग में बात थी, चलो छोड़ो। तो बात करते हैं हीट की, आज हम बात करेंगे हीट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि हीट क्या है, एनर्जी को एक्सचेंज करने का तरीका है, एनर्जी को एक्सचेंज करने का तरीका है किसके बीच में, बिटवीन सिस्टम जिसकी स्टडी करते हैं आप, जिसके बारे में पढ़ते हैं, एंड सराउंडिंग। यार इस वीडियो के अंत तक तुमको हीट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये याद रखना। हीट के अंदर जितनी बातें हैं सब, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपी सीवी वगैरह जो फिजिक्स में भी पढ़ना है, सब यहां कवर कर देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा। इसीलिए हीट पे लेक्चर लाए हम, चाहते तो अगला लेक्चर लाते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नहीं, हम हीट पे करेंगे, हम वर्क पे एक लेक्चर करेंगे डिटेल एकदम अंदर तक, ऐसी मजा आता है ना, उसके बाद फर्स्ट लॉ। चलो तो हीट की बात करते हैं। तो बच्चों हीट सबको पता है फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी कई लोग लिखते हैं, मैं फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लिखता हूं। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका, ठीक है। और ये कब आता है, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये सब तो सबको पता है, हीट क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है, ठीक है, जीरोथ लॉ यही बोलता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब तक हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, कहीं बीच में पढ़ा देंगे इसको, ठीक है, जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के बाद बीच में थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। जीरोथ लॉ बोलता है कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, दो बॉडी के बीच में अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टू लोअर। उसको छोड़ते हैं, वापस हीट पे आते हैं यार। तो हीट की अपन बात करें सिंबल की, तो हीट का सिंबल तो सबको पता ही होगा कि हीट का सिंबल होता है क्यू। हीट की बात करें यूनिट की, तो बच्चों हीट की यूनिट होती है एसआई यूनिट, तो वही है अपनी जूल, जो एनर्जी की है। और कॉमन यूनिट जो होती है हमारी, तो कॉमन यूनिट हम कौन सी लेते हैं हीट की, कैलोरी लेते हैं ना, कैलोरी। कन्वर्जन फैक्टर सबको पता होगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल्स, तो यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हुई कि हीट वो तरीका है एनर्जी के ट्रांसफर का, जो तब आता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और डायरेक्टली एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। कब जाती है, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है, अदरवाइज हीट वाला जो तरीका है वो अपनाया नहीं जा सकता। अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे एनर्जी ले जाने का तरीका हीट नहीं हो सकता, कोई और तरीके से एनर्जी भेजना होगा। ये हीट की एक्चुअल डेफिनेशन है। व्हाट इज हीट, हीट एक एनर्जी ट्रांसफर का तरीका है जो तब आता है जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, ठीक है। तो ये हमने बता दी हीट की यूनिट वगैरह। अच्छा चलो, इतनी चीजें करने के बाद थर्मोडी में समझते हैं कि हीट का क्या सिग्निफिकेंस है। बच्चों थर्मोडी में हमें हीट के साइन याद रखने पड़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द सिस्टम, हीट गिवेन टू द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही बात है, सिस्टम को हीट मिलेगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो उसको हम पॉजिटिव की तरह लेते हैं। हमें कोई आके हीट दे के जाएगा तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी, तो हमारे लिए वो एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव। और इसी तरह से हीट गिवेन बाय द सिस्टम, हीट गिवेन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। अब सिस्टम जाके किसी को हीट दे देगा तो भैया सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो हम नेगेटिव में चले गए, तो हम बोलते हैं उसको नेगेटिव। तो ये दो चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, दिमाग में चला गया होगा। सिस्टम को हीट दी, सिस्टम को मिली पॉजिटिव, सिस्टम ने लूज कर दी,
सिस्टम का नुकसान हो गया तो नेगेटिव, ठीक है। तो क्यू कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है ये भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, तो आज का जो मेन चर्चा हमारा है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है। ऑल ठीक है, चलो तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस की। आप देख रहे हो जब से थर्मोडायनेमिक्स आया है गैस गैस की ही बात हो रही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, और क्या कमाल का टॉपिक है ये, क्यों भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन सबको याद होगी, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, यही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, यही होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मतलब हम जैसे एग्जाम्पल देके बता दें, एक बार पता होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर की। सुन लो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक ग्राम पानी को अपना टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। एक ग्राम पानी को, एक ग्राम पानी को अपना टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 4.2 जूल्स। इस चीज को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया। अब गैस के बारे में क्या खास बात है, अगर याद हो तो पिछले टर्म पे हमने आपको दो प्रोसेस बताए थे। एक प्रोसेस है आइसोथर्मल और दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक, बोले याद आया। आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो। एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसमें हीट का चेंज जीरो होता है, हीट एक्सचेंज जीरो, ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक बोलते हैं, जिसमें सिस्टम ना ही हीट किसी को दे सके ना ही किसी से हीट ले सके। सिस्टम को आप नॉन कंडक्टिंग वेसल के अंदर रख दो, जो भी चीज है उसको नॉन कंडक्टिंग में रख दो, ना ही बाहर से हीट ले सकता है ना ही हीट दे सकता है। मैं इन दोनों प्रोसेस के लिए एक अपना आइसोथर्मल प्रोसेस और एक अपना एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों प्रोसेस हमारे फिजिक्स में केमिस्ट्री में बहुत कॉमन है, मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना चाहता हूं आइसोथर्मल की, सी ऑफ आइसोथर्मल। चलो तो भैया क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, जीरो। यहां जीरो रखोगे तो सी किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को, है कि नहीं, नीचे जीरो रख दोगे। सी ऑफ एडियाबैटिक जरा बताना, सी ऑफ एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्यू कितना है, जीरो, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता तो ये जीरो। बड़ी खास बात है कि गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इंफिनिटी। वाटर की 4.2, वाटर की भी टेम्परेचर के साथ चेंज भी होती है थोड़ी थोड़ी, गैस की खतरनाक चेंज हुई है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, इनफाइनाइट। एडियाबैटिक के लिए जीरो। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कैन बी एनीथिंग बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी, कैन बी एनीथिंग बिटवीन जीरो, कुछ भी हो सकती है। अलग अलग प्रोसेस होंगे, अभी आइसोबारिक आ जाएगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक आ जाएगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं जो सिलेबस में नहीं है, आपको कैसे पता है, हम लोग के थर्ड सेमेस्टर में था थर्मोडायनेमिक्स में कॉलेज में, तो वहां पर पढ़ते हैं हम लोग की चीज, ठीक है। तो बहुत से प्रोसेस होंगे अलग अलग जिसमें डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस यू हैव टू नो, कौन सी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ना ना ना, ये तो ऐसे ही थी, तो बताने के लिए कि जीरो से इंफिनिटी तक जा सकते हैं, इसको हटा दे, नोट कर लो इसको पहले, ये रियलाइज कराने के लिए कि गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब मैं इसको मिटा के आपको दो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की बताऊंगा, विच आर वेरी वेरी। चलिए, पहला,
कोई प्रोसेस जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, किस पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, तब हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, ठीक है, सीवी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन एम डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये क्या है, कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक ग्राम गैस का टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो एक ग्राम गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रोसेस में जो हीट लगेगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 1:1 हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह से बच्चों दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कहानी सेम है, इसको हम सीपी बोल देंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। वही कहानी है कि कांस्टेंट प्रेशर पे एक ग्राम गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहते हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ग्राम गैस का टेम्परेचर 1, ये 1:1 रखा, उसमें जितनी हीट लगी वही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जैसा प्रोसेस है उसके हिसाब से आप नीचे एक छोटा सा वी या पी लिख दो, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वी लिख दो, कांस्टेंट प्रेशर है तो पी लिख दो, क्लियर है, सीवी एंड सीपी। इनकी यूनिट क्या है, जरा ध्यान दो, अभी सब चीजें बड़ी अच्छी है। सीवी की यूनिट क्या होगी, हीट जूल्स में, मास ग्राम में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। सीपी की यूनिट क्या होगी, यहां से सीपी की यूनिट क्या होगी, हीट जूल में, मास ग्राम में, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यार दोनों की यूनिट सेम है, और मैं आपको बड़ा क्लिकिंग पॉइंट बताऊंगा अभी, अगर आप सीपी सीवी जानते हो तो ये वो सीपी सीवी है नहीं, अगर आप जानते हो तो ये वो सीपी सीवी नहीं है, वो आएगा भी आगे अंदर तक, चलो सवाल इस पे भी आए हुए हैं। अरे भैया बहुत लंबा सफर है हमारा, ठीक है, मतलब बहुत सालों के हमने पेपर्स देखे हुए हैं, तो कहां कहां की चीजें आपको बता रहे हैं आप ध्यान दो, मिटार दें, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखनी है हमको, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आगे ये सब चीजें और जुड़ेंगी कहानियों से, पर आज तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा, अब आपको जो जानना है वो जानना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाननी ही नहीं थी, आपको जाननी थी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब आपको जानना है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको 1 ग्राम के लिए नहीं सीखना था, आपको 1 मोल के लिए, क्योंकि गैस में यार मास वास से ज्यादा इंपॉर्टेंट मोल होता है, गैस हम लोग गैस लॉस पढ़े हैं, है ना, मोल के ऊपर बातें करनी है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे आपसे बोले मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका सिंबल देखो सी वी, और ये कैपिटल में लिया है, इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू अलग है, ये किसके लिए है, पर मोल है, 1 मोल के लिए, वो 1 ग्राम के लिए था। तो सी वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब यूनिट मास नहीं है नीचे, यूनिट मोल है, नोट करेंगे इसको बच्चों, यूनिट मास नहीं है, यूनिट मोल है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज सी वी, कैपिटल सी वी। इसी तरह से
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कैपिटल सी टी, ये होगा बच्चों क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और ये हीट कहां पे होगी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। ये कैपिटल सीपी कैपिटल सीवी स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी से अलग होते हैं, ये बात दिमाग में डाल लो। सबसे प्यारा सवाल यहीं से बनाऊंगा मैं, ठीक है। एक रटी रटाई चीज होती है वो टूट जाती है यहां पे। छोटे वाले सीवी सीपी किस पे डिफाइंड थे, पर यूनिट मास पे। ये किस पे डिफाइंड है, पर यूनिट मोल पे। वो था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्लियर है, इनका सिग्निफिकेंस ज्यादा है उससे। क्लियर है, नोट कर लें इतना, फिर मैं आगे बढ़ूं। नोट करें, पॉज करके नोट कर लिया, पॉज करके ओके। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल सीपी कैपिटल सीवी एंड स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी। चलो मैं आपको ऐसे ही आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, शायद एग्जांपल से चीज ज्यादा फील में आ जाए। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, इसका मुझे सीवी पता है, इसके सीवी की वैल्यू मान लो मेरे पास दी हुई है, लेट इट बी एनीथिंग, लेट इट बी एक्स। मैं पूछूं कैपिटल सीवी कितना होगा, कैन यू टेल मी दिस, सोच के बताना, क्या आप मुझे कैपिटल सीवी की वैल्यू बता सकते हो अगर आपको स्मॉल सीवी पता है। ये यूनिट मास पे थी, ये यूनिट मोल पे। ये किसके लिए डिफाइंड है, फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिक्वायर्ड है, स्मॉल सीवी है कि नहीं। ये किसके लिए, 1 मोल के लिए। सो फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बताओ बताओ आंसर बताओ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ 1 ग्राम के लिए वैल्यू सीवी है, तो 1 मोल के लिए वैल्यू कितनी होगी। भैया 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, ऑक्सीजन की बात करें तो 1 मोल में 32 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम के लिए सीवी है तो 1 मोल यानी 32 ग्राम के लिए हो जाएगा 32 टाइम ऑफ सीवी या 32 टाइम ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग दिस, ये किसके लिए डिफाइंड था, यूनिट मास के लिए, यूनिट मोल के लिए। अब भैया 1 ग्राम के लिए इतनी हीट चाहिए, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए, फॉरगेट एक्स, फॉरगेट दिस एक्स, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए, तो 1 मोल, 1 मोल में कितना मास होगा, 32 ग्राम, तो 32 ग्राम के लिए इसकी 32 गुने। कहने का मतलब कैपिटल सीवी इज इक्वल्स टू मोलर मास टाइम्स ऑफ स्मॉल सीवी, एंड सिमिलरली कैपिटल सीपी इज इक्वल्स टू मोलर मास टाइम्स ऑफ स्मॉल सीपी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अच्छा सवाल यहां से फंसता है अंदर से एकदम, नोट कर लेंगे इसको, कैपिटल सीपी कैपिटल सीवी स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी, कंसेप्ट क्लियर। आप जाओगे आपको स्कूल में सब चीजें नहीं मिलेगी डिटेल में, क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से। मैंने बोला ये किसके लिए था, यूनिट मास के लिए, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट, तो 1 मोल के लिए कितनी, 1 मोल में कितना मास होता है, 32, 1 ग्राम के लिए इतना, तो 32 के लिए 32 गुना। तो मैंने ये फॉर्मूले बना दिए, नोट कर लें बच्चों इसको, छोटा लेक्चर है टेंशन ना लें, नोट कर लें। कलिया चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की फेमस है, एक कैपिटल सीपी एक कैपिटल सीवी। कहां कहां पे डिफाइंड है, कहां कहां पे डिफाइंड है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन सुने, ठीक है, इसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं, पर इसकी डेरिवेशन हम फिजिक्स में देख लेंगे, आज सिर्फ आपको रिलेशन बता रहे हैं। कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इज इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट आर फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इज इक्वल टू आर फॉर एनी गैस।
अब देखो जरा नीट में एक बार सवाल क्या पूछ लिया उन्होंने, उन्होंने कहा फॉर नाइट्रोजन द वैल्यू ऑफ सीपी माइनस सीवी, द वैल्यू ऑफ सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू, और ऑप्शन दिया आपको, आप आर सोच रहे हो, ऑप्शन देखो क्या दिए उन्होंने, ऑप्शन दे पास 14 आर, आर बाई 14, 28 आर, आर बाई 28। तो यार अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर लगा देते, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन 14 आर, आर बाई 14, 28 आर, आर बाई 28 था। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी रहा होगा, कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इज इक्वल टू आर गैस कॉन्स्टेंट ऑलवेज फॉर एनी गैस एंड ऑलवेज ट्रू एट एनी प्रेशर एनी टेम्परेचर, हर गैस के लिए हमेशा ट्रू, मेयर रिलेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, टेंशन नहीं लेनी उसके, और एग्जाम में जो भी सवाल पूछता है तो उसमें मान के चलते हैं आइडियल गैस है। तो अब क्या करें, हम लिख लेते हैं कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब कैपिटल सीपी को आप लिख सकते हो एम टाइम्स ऑफ स्मॉल सीपी, कैपिटल सीवी को एम टाइम्स ऑफ स्मॉल सीवी इज इक्वल टू आर। अब नाइट्रोजन का बच्चों मोलर मास कितना होता है, तो ये हो गया 14 टू जा 28, सो 28 सीपी माइनस 28 सीवी इज इक्वल्स टू आर, यहां से 28 कॉमन होगा और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर बाई 28, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मैंने बोला ना सब पढ़ते रहो, क्या पता कहां से एग्जामिनर चुन के एक छोटा सा सवाल बना दे, अगर आपको कैपिटल सीपी स्मॉल सीपी ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो नहीं समझ में आते। फील तो हो रहा है ना कि सीपी है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, एक मोल ऑफ गैस को कितनी हीट चाहिए टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चाहिए होगी सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम में सीवी चाहिए होगी, क्लियर है। अच्छा है ना, मतलब हीट के मेरे पास कुछ फॉर्मुलेज भी हो गए अब, है ना, प्यार से अपन लिख सकते हैं कि हमसे कोई पूछ रहे हीट absorbed by gas या release by gas at constant volume, तो आप लिख दो एन सी वी डेल्टा टी, कैसे लिखा, सी वी का फॉर्मूला क्या था, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज बाय गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, याद रहेगा, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज बाय गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज बाय गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, भाई सी वी या सी पी का फॉर्मूला क्या था, सी पी का फॉर्मूला क्या था, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, है ना, तो यहां से क्यू इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी, सी वी का फॉर्मूला क्या था, सी वी का फॉर्मूला था क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये था कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, है ना, तो क्यू वी इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, क्यू पी इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। तो इसको भी लिख लो फॉर्मूले को, एक तुम्हारा आदत पड़ जाएगा लिखने का, कि गैस की जब हीट लिखनी होगी तो एन सी डेल्टा टी करके, गैस की हीट कैसे लिखोगे, एन सी, बोलो बच्चों गैस की कैसे लिखोगे, एन सी डेल्टा टी करके, क्लियर है। इसे आपको थोड़ा बहुत घुमा भी सकता है, ऐसा नहीं कि इतना आसान सवाल एकदम हलवा ऐसे हमेशा ही रहेगा। प्यार से मैंने दिल से कहा ढूंढना ना खुशी, तो भाई साहब जो अगली चीज हमको समझनी है वो ये है कि ये सीपी और सीवी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। चलो समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सी वी है इसका वैल्यू याद कर लो एफ बाई टू इंटू आर, आर गैस कॉन्स्टेंट है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई दर्द नहीं, एफ बाई टू इंटू आर, ये हो गया सी वी की वैल्यू। अब सी पी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, सी पी इज इक्वल्स टू आर प्लस सी वी, और सी वी कितना है एफ बाई टू आर प्लस आर, तो सी पी कितना हो गया, बोलो F by 2R plus R, तो R common हो जाएगा F by 2 plus 1 into R, बोलो सही लिखा है कि गलत, CV याद रखो F by 2R और CP minus CV is equals to R, ये दो चीज याद रखोगे तो काम बन जाएगा। हाँ आपके दिमाग में सवाल है कि सर F क्या चीज हो गई, अब बच्चों F को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में भी बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, फिजिक्स जब आएगा तो पूरा समझाएंगे, इसके ऊपर पूरा टर्न रहेगा, आज के लिए इतना समझो ये डिपेंड करता है एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे, एटॉमिसिटी ऑफ गैस, ठीक है। अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक
गैस, तो उसका एफ का वैल्यू होगा 3। मेरे पास डाया एटॉमिक गैस है तो उसका एफ का वैल्यू होगा 5, और मेरे पास पॉली एटॉमिक गैस है तो एफ का वैल्यू लेंगे 6। मैं आपको एक जनरल में बता रहा हूं, वरना कंडीशंस और सारी हैं अंदर, पर अभी इतना ही समझो। मोनो एटॉमिक गैस है मेरे पास, मान लो हीलियम है, नियन है, एर्गन है, मोनो एटॉमिक अकेले रहती हैं, उनके लिए एफ की वैल्यू 3। डायटॉमिक गैस है मेरे पास, ओ2 है मेरे पास, एन2 है, ये सारी गैसेस हैं डायटॉमिक, दो एटम वाली, उसके लिए एफ की वैल्यू 5। और मेरे पास पॉली एटॉमिक गैस है कोई, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर पड़ जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाता है। ये सब कंडीशन है, फिजिक्स में समझा देंगे। जैसे मान लो मेरे पास ओजोन है, ओ3, पॉली एटॉमिक, है ना, दो से ज्यादा एटम वाली, तब एफ की वैल्यू 6। तो एफ की वैल्यू लेके यहां रख दो, सीवी की वैल्यू मिल जाएगी, सीपी की वैल्यू, मतलब सीपी और सीवी कहीं ना कहीं गैस पे तो नहीं डिपेंड करते, एटॉमिसिटी पे डिपेंड करते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस है या डायटॉमिक गैस है या ट्राई एटॉमिक गैस है, ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू 3 मोनो एटॉमिक के लिए, 5 डायटॉमिक के लिए, 6 पॉली एटॉमिक के लिए। तो इस तरह से आप CP और CV का वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है यहां तक? डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3, डायटॉमिक के लिए F की वैल्यू 5, ट्राई और पॉलीएटॉमिक के लिए F की वैल्यू 6, ठीक है। अच्छा, F की वैल्यू 3, 5, 6, मोनो डाया पॉली, मोनो डाया पॉली, और ये CP और CV की वैल्यू। बच्चों इसी तरह से एक कॉन्स्टेंट डिफाइंड होता है गामा। गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। रिपीट विथ मी, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सीपी अपॉन सीवी के रेशियो को गामा बोलते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बोलते हैं, और सीवी की वैल्यू एफ बाई टू। सर कितना ढेर सारा चीज याद करा दिया, तो इनको नोट कर लो प्यार से बच्चों। अभी मैं इसको रिपीट करूंगा तो आपको और समझ में आएगा, वैल्यूज निकालेंगे, खेल है, चलता रहेगा, है ना। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP क्या है पता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, है ना, CV पता है। फिर मैं बोला CV की वैल्यू निकालने का तरीका F बाई टू आर। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5, ट्रायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के लिए 6। CP निकालना है, CV प्लस R कर लो, है ना, तो CV की वैल्यू F by 2R plus R, R common हो गया, F by 2 plus 1। फिर हमने कहा ratio of CP by CV is gamma। चलिए काम करते हैं, different atomic city वाली gases का हम CP, CV, gamma, F सब determine कर लेते हैं, तो थोड़ा सा एक practice भी हो जाएगा, और table बनाने में पता नहीं बचपन से खुशी भी क्या मिलती है, पता नहीं क्या खुशी मिलती है, पर table बना के अच्छा बड़ा लगता है, तो अब table बनाते हैं, फील अच्छा नहीं लगता है ना टेबल बनाते ही। चलो अपन एक टेबल बना लेते हैं, टेबल ले लेते हैं पानी, इधर ले लेते हैं एफ की वैल्यू, यहां ले लेते हैं अपन पुंगा काड़ींगा सीवी, यहां ले लेते हैं सीपी, यहां ले लेते हैं गामा, वेयर गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाय सीवी। सीवी की वैल्यू क्या है, यानी सीवी, सीवी की वैल्यू क्या है एफ बाय टू आर, और बच्चों CP की वैल्यू क्या है F by 2 plus 1 into R। ये सिंपल भाषा में कर लेते हैं इसको, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते। ये तो याद ही रखना है तुमको, CP minus CV is equals to R। तो यहां से CP की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, CV plus R लिख सकते हैं, CV plus R। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। चलो मोनोएटॉमिक के लिए, सबसे पहले मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू होगी 3, CV की वैल्यू बोलो 3 बाई टू आर, CP की वैल्यू बोलो 3 बाई टू आर प्लस आर, कितना हो गया 5 बाई टू आर। गामा की वैल्यू बोलो CP बाई CV, तो CP बाई CV, तो मेरे ख्याल से आर मर जाएगा, 3 बाई 5 आएगा ना, सी नहीं 5 बाई 3, 5 बाई 3,
सो गामा की वैल्यू कितनी आई 1.2066 सही है। डायाटॉमिक गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसमें इंक्लूड करते हैं जबकि वो डायाटॉमिक नहीं है। खैर अभी डायाटॉमिक गैस एफ की वैल्यू हुई 5 तो सीवी हो जाएगा मेरा एफ बाई टू 5/2R और सीपी हो जाएगा सीवी प्लस आर यानी 5/2R प्लस आर तो 7/2R और गामा हो जाएगा मेरा बोलो 7/5 आ जाएगा सीपी बाई सीवी करने पे तो गामा की वैल्यू आएगी 1.4। फिर ट्राइएटॉमिक गैस या पॉलीएटॉमिक लिख लेते हैं पॉलीएटॉमिक गैस है ना दो से ज्यादा एटम वाली इसके लिए F की वैल्यू 6 सीवी हो जाएगा F बाई टू आर 3R सीपी है सीवी प्लस आर तो हो गया 4R गामा की वैल्यू हो जाएगी 4/3 दैट इज गामा इज 1.333। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वर्थ वाइल नोटिंग ओवर हियर यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है गामा की वैल्यू घटती है। ध्यान से देखो मोनोएटॉमिक का गामा सबसे बड़ा है और पॉलीएटॉमिक का गामा सबसे छोटा है देख रहा है यानी गामा इज ग्रेटेस्ट फॉर मोनोएटॉमिक देन डायाटॉमिक देन पॉलीएटॉमिक। वैल्यूज याद रखो गामा की बहुत इंपॉर्टेंट है गामा की वैल्यूज याद रखो मोनो की सबसे ज्यादा 1.66 डाया की उसके बाद 1.4 पॉली की उससे कम 1.33। तो ओवरऑल इसमें से आपको जो यूज की चीजें हैं वो गामा है सबसे ज्यादा यूज गामा का होना है इसके बाद सीपीसीवी का भी होगा ऑफकोर्स होगा कम होगा गामा का। सीपीसीवी में आप सीवी याद रखना फॉर्मुले वाइज मैंने बना के दिखाया सब याद रखने की जरूरत थोड़ी ना है फॉर्मुला याद रखना सीवी का F/2R एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए 3 आपसे हीलियम बोलता है नियन बोलता है अर्गन बोलता है क्रिप्टन बोलता है डायाटॉमिक के लिए 5 आपसे हाइड्रोजन बोला ऑक्सीजन बोला नाइट्रोजन बोला पॉलीएटॉमिक के लिए 6 आपसे कोई और गैस बोल दी है ना आपसे ओजोन बोल दी BF3 बोल दी इस टाइप की गैस बोल दी तो 6 डाल देना। सीपी के लिए याद रखना सीवी प्लस आर है ना खत्म सीवी निकल आएगा तो सीवी याद रखो एफ बाई टू आर बस और गामा इज सीपी बाई सीवी और गामा की तो मैं बोलता हूँ वैल्यू याद कर लो खेल खत्म 1.66 मोनोएटॉमिक का सबसे ज्यादा फिर डायाटॉमिक फिर पॉलीएटॉमिक सबसे ज्यादा मोनोएटॉमिक का फिर डायाटॉमिक फिर पॉलीएटॉमिक 1.66 1.4 1.3 या चाहो तो गामा का एक फॉर्मूला याद कर लो मतलब है बहुत कुछ 1+2/f देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में गामा 1+2/f अब तो और आसान हो गया। अब गामा मोनोएटॉमिक का निकालना है मोनोएटॉमिक लिए f की वैल्यू कितनी 3 डायटॉमिक का निकालना है f की वैल्यू 5 पॉलीएटॉमिक का निकालना है f की वैल्यू 6 तो गामा का चाहो तो ये फॉर्मूला तो इन्फॉर्मेशन बहुत ढेर सारी है पर अच्छी चीज है कि याद रखो सीवी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर याद हो गया एफ की वैल्यू याद हो गई 3, 5, 6 बहुत बढ़िया सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर बहुत बढ़िया गामा मोनो डाया ट्राया मोनो डाया पॉली मोनो का सबसे ज्यादा 1.66 डाया 1.4 पॉली 1.33 खत्म चाहो तो याद कर लो। तो बच्चों इतनी बातें थी हीट से रिलेटेड दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी तो उसको हमने डिस्कस किया। हीट का जो फॉर्मूला आपको यूज करना है अब याद रखना हीट का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम आप हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे आप एन सी डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो एन सी पी डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो एन सी वी डेल्टा टी और दोनों पे नहीं होगा तो कुछ और ले लेंगे भाई ये नंबर ऑफ मोल्स ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वो चेंज इन टेम्परेचर। दूसरी चीज याद रखनी है हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव हीट गिवन बाय द सिस्टम है ना हीट गिवन टू सिस्टम सिस्टम को देने वाली हीट कैसी लेनी है पॉजिटिव हीट गिवन बाय सिस्टम जो सिस्टम से बाहर निकल के आई हीट वो कैसी है नेगेटिव सिस्टम हीट देगा तो उसकी एनर्जी घटेगी तो नेगेटिव होगी सिस्टम हीट लेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो पॉजिटिव। तो अगला वीडियो हम देखते हैं एनर्जी को एक्सचेंज करने का दूसरा तरीका वर्क पे।